बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तलवार में बंदूक महाराज की सहायता करनी होगी। हर हर महादेव। अपनी आंखों के सामने अपने प्रमुख की मृत्यु देखोगे। मैं साथियों से कहूं कि हथियार फेंक दे। अब क्या होगा? सैनिक को बंदी बना लो। रुक जाओ। अब बाजी फिर से हमारे हाथ में है। अब ये तलवार हटा दीजिए महाराज, वरना क्षण भर में आपके रिश्तेदारों का सर और धड़ दोनों अलग अलग नजर आएगा, और वो भी आपके समक्ष। आप हमारी चिंता मत कीजिए महाराज, इस पापी के सर से इसके धड़ को अलग कर दीजिए। जी, हमारे लिए हमारा परिवार हमारे स्वयं के प्राणों से भी बढ़कर है। हम आप सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मेरे को छोड़ दो इन्हें। कैसे राजा हैं आप? आपको तो राजनीति का तनिक भी ज्ञान नहीं। अभी तो इनसे रिश्ता जुड़ा भी नहीं, और आपने इन्हें अपना परिवार मान लिया। भावनाओं में आकर इतना बड़ा बलिदान। हे देवा, हमने महाराज को कितना गलत समझा। नहीं, हमें इन पापियों से सबको बचाना ही होगा।
पर अकेले इन सब का सामना करना मूर्खता होगी। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। मिल गया रास्ता। काशी हमें मनु द्वार खोलो। काशी बुंदेलों ने सबको बंदी बना लिया है। हमें सबकी सहायता करनी होगी। चलो हमारे साथ। क्योंकि काशी सफलता पाने के लिए सही रास्ते का चुनाव करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इस समय यही सही रास्ता है। खुशियां मनाइए रानी सक्कूबाई साहेब। आपके शत्रु और उनके सभी मित्र हमारी गिरफ्त में आ गए हैं। सभी? हाँ, महाराज पेशवा मोरपंथ राजघराने के सभी सदस्य। मणिकर्णिका, वो तो हमें कहीं नहीं दिखी। तो खुशी मनाने की नहीं बल्कि उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। जाइए जाकर ढूंढिए उन्हें और एक एक को काट कर फेंक दीजिए। याद रखिएगा राजघराने का एक भी सदस्य जीवित नहीं बचना चाहिए। जाइए। सांप का जहर और सक्कूबाई का कहर जिससे कांपती है मौत और डरता है डर। आशी डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। समय कम है, चलो। उस मणिकर्णिका को यही कहीं छुपी होगी। यहां तो नजर नहीं आ रही। कहीं वहां तो नहीं छुपी। यहां तो कोई भी नहीं है। चलो दूसरे कक्ष में ढूंढते हैं। समय आ गया है हमारे परिवार को बचाने का, हमारी झांसी को बचाने का। देवा, कम से कम ये लोग तो सुरक्षित हैं। मनु जल्दी से यहाँ आ जाओ। आप सब निश्चिंत रहिए, बाहर आ जाइए, यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? हम सब बहुत चिंतित हो रहे थे। चिंता से चतुराई घटती है और संकट में चतुराई काम आती है। आप सब व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। पर मनु, सारे हमलावर तो हमारे महल के अंदर हैं। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ छुप जाओ। हम यहाँ छुपने नहीं, तुम लोग से सहायता मांगने आए हैं। महाराज आजोबा बाबा सबकी जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन ये संभव नहीं है।
और हमने तो आज तक लड़ाई की भी नहीं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम बढ़ाना होगा। खड़े रहकर मंजिल नहीं मिलेगी, और सुरंग का कार्य भी तो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं किया था। पर मनु, सुरंग बनाने में और लड़ाई लड़ने में बहुत बड़ा फर्क है। जिस प्रकार पुरुषों के सैनिक और हम स्त्रियों के सैनिक में बहुत बड़ा फर्क है, इसी फर्क को तो फक्र में बदलना है हमें। अगर हम स्त्रियां अपने आप को कम समझकर मौन रहेंगी तो समाज हमें गूंगा समझ लेगा। इसलिए सही समय पर देवी महिषासुर मर्दिनी के समान हुंकार कर दुश्मनों के अस्तित्व को मिटाना हमारा कर्तव्य है। और रही बात लड़ने की, तो हृदय में जज्बा और जोश और तन में सच्चे हिंदुस्तानी खून किसी भी युद्ध में विजय दिलाने के लिए पर्याप्त है। युद्ध कला में निपुण अचूक तलवारों का हरि कुमार, बिजली गिरे फिरंगी पर जब गरज के करती है हुंकार। युद्ध कला में निपुण अचूक तलवारों का हरि कुमार, बिजली गिरे फिरंगी। ठीक है, हम सब इस विजय पथ पर चलने के लिए तैयार हैं। तलवार दामिनी दुश्मन को बस धूल चटानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। धड़ से अलग कर दो इसका। ना तो आप विवाह कर पाएंगे और ना ही झांसी पर राज। बस क्षण भर में महाराज गंगाधर की जीवन लीला समाप्त। रोको इन्हें, मार डालो, किसी को जीवित मत छोड़ना। इस मणिकर्णिका ने तो कमजोर विधवाओं को मजबूत सेना में बदल दिया है। अब कहीं हमारी जीत को हार में न बदल दे।
ये दोनों तो पूरी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। हमको इनका ध्यान बांटना होगा। सैनिकों, प्रहार करो इस पर। मणिकर्णिका, आप मोरपंत जी की मदद कीजिए, इन्हें हम संभालते हैं। जी। नहीं होती तो क्या होता मैंने करने का। आपने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। इसका शेयर सिर्फ हमें नहीं, कई लोगों को जाता है, आपको भी। सर, देयर इज अ बैड न्यूज। बुद्धी क्वीन ने विडो आर्मी के साथ मिलकर बुंदेल्स को पहले से मार भगाया। इस वुड बी क्वीन को जितना समझा वो उससे ज्यादा डेंजरस निकली। लेट्स गो टू द पैलेस। अब महाराज गंगाधर को झूठी सिंपैथी दिखाने का जरूरत है। सब मिट्टी में मिल गया। ये दोनों बुंदेली भाई किसी काम के नहीं निकले। अरे बस इनके नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे महाराज गंगाधर का सर हाथ में आते काट कर फेंक देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस बात की प्रतीक्षा करते रहे ये दोनों मूर्ख। और चतुराई दिखाई मणिकर्णिका ने। सक्कू भाई साहब, सब बर्बाद हो गया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सैनिक हमारे पीछे पड़े। महाराज को सब पता चल जाएगा। इस सब के पीछे आप हैं। रानी सक्कू भाई साहब, आप भागो, 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 किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सांप का जहर और सक्कूबाई का कहर, जिससे कांपती है मौत और डरता है डर। महल के चारों तरफ देखो, कोई बुंदेला बच के ना जाने पाए।
खुदा बस खता ना कराए। कहर बरसे इन बुंदेलों पर, जान लूं नसीब। खुदा का शुक्र है कि हमारे महाराज सही सलामत है। कैसे नहीं रहेंगे, उनके लिए ईश्वर से दिन रात प्रार्थना जो करती रहती हूँ उनके वही निशा है। ईश्वर की कृपा है जो इतना बड़ा संकट टल गया। जी हाँ वही निशा है। और ईश्वर ने हमारी जान बचाने के लिए मणिकर्णिका को नियुक्त किया है, तभी तो हर बार मौत के मुंह से खींच कर निकाल लाती है।